हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग जीव विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो बच्चों, इसमें दो सवाल दिया है, दोनों का प्रोसेस करीब करीब एक जैसा होगा प्रूफ करने का। तो देखो, जैसे कि फर्स्ट में हम एलएचएस लेंगे, एलएचएस में देखो क्या लिखा है, एक्स प्लस फोर, ये टू एक्स है, ये भी टू एक्स है, ये टू एक्स है, ये एक्स प्लस फोर है, ये टू एक्स, ये टू एक्स, टू एक्स और ये एक्स प्लस फोर है। ठीक है बच्चों, हमें एलएचएस में देखो 5x प्लस 4 लाना है, और हम देख रहे हैं कि यदि हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करें या C1 प्लस C2 प्लस C3 करें तो दोनों में हमें 5x प्लस 4 आ जाएगा। तो कोई आपको एक ऑपरेशन करना है, तो मैं कर देता हूं R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये देखो बच्चों क्या हो जाएगा, x प्लस 2x, अच्छा सभी को जोड़ना ना, तो ये 2 2 4 1, 5x प्लस 4। यहां भी देखो बच्चों 5x प्लस 4, यहां पर भी देखो 5x प्लस 4 होगा। ये इसको इसको जोड़े, इसको 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 इसको, ठीक है ना, रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। फिर इसको आप ऐड टी छोड़ दो, x प्लस 4, ये 2x, ये देखो 2x, ये 2x और ये x प्लस 4। सबसे पहले आप क्या करो ना, रो 1 से 5x प्लस 4 बाहर कर दो। बच्चों 5x प्लस 4 बाहर कर लोगे तो 1 2x और ये 2x हो जाएगा, ये 1 x प्लस 4, ये 2x हो जाएगा, ये 1, ये 2x और ये x प्लस 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब हम लोग क्या करते हैं, रो में 1 1 आ गया है तो कॉलम का ऑपरेशन लगाओ, C1 बराबर C1 माइनस C2 एंड C2 बराबर C2 माइनस C3। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 5x प्लस 4 तो रहने देंगे, और यहाँ पर देखो क्या करोगे, 1 में से 1 घटाओगे तो 0, 2x में x प्लस 4 घटाओगे तो x माइनस 4, बच्चों 2x में 2x घटाओगे तो 0, फिर देखो 1 में 1 घटाओगे तो 0, x प्लस 4 में 2x घटाओगे तो 4 माइनस x, और 2x में x प्लस 4 घटाओगे तो x माइनस 4। यहाँ पे देखो 1, 2x और ये x प्लस 4 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, सीधा हम लोग सॉल्व कर देंगे, x प्लस 4 को यहाँ पे 1 ले लो, तो ये गया, ये कॉलम गया, ये रो गया, तो देखो x माइनस 4, 0, 4 माइनस x और x माइनस 4। बच्चों हमें राइट साइड में क्या लाना है, 4 माइनस x लाना है, तो ध्यान देना 5x प्लस 4 इंटू, यहाँ पर आप x माइनस 4 इंटू x माइनस 4, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और 0 इंटू 4 माइनस x 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया 5x प्लस 4, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर आया, और हमें लाना है 4 माइनस x का होल स्क्वायर। तो बच्चों हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर को 4 माइनस x का होल स्क्वायर, और बगल में नोटिस कर देंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है बच्चों b माइनस a का होल स्क्वायर के बराबर होता है, और ये देखो राइट साइड क्लियर है ना। चलो इसके सेकंड सवाल को अब देखते हैं। मैंने आपको कहा था कि एक ही लेक्चर में सारा सवाल बता दूंगा, 10, 11, 12 ये सारा, लेकिन बच्चों में छोटे छोटे लेक्चर आपके लिए बना रहा हूँ, इसलिए कि ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और ये बोर्ड में पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। तो सिंगल सिंगल क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करो, बेटर रहेगा, इसीलिए छोटे छोटे लेक्चर में अपलोड कर रहा हूँ इस चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद फिर पूरा एक्सरसाइज का लेक्चर एक साथ आएगा, ओके। चलो बच्चों देखो, यहाँ पे सेकंड वाला देखो, सेकंड को भी हम लोग सेम वे में प्रूफ करेंगे। एलएचएस लेते हैं, एलएचएस में देखो बच्चों y प्लस k, ये y, ये y होगा, ये y y प्लस k, और ये y होगा, ये y, ये y y प्लस k। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि राइट साइड में हमें k स्क्वायर इनटू 3y प्लस k लाना है। हम रो 1 2 3 को ऐड करें या कॉलम 1 2 3 को ऐड करें, बात बराबर है, दोनों से आ सकता है। तो चलो अब की बार हम कॉलम को ले लेते हैं। कॉलम बच्चों लेंगे तो याद रखना ये एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, हर एक कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा। तो वाई प्लस के प्लस वाई, तो देखो ये 3y प्लस के, यहाँ पे भी 3y प्लस के, यहाँ पे भी हो जाएगा बच्चों 3y प्लस के, ये वाई, ये वाई प्लस के, ये वाई होगा, ये वाई, ये वाई, ये वाई प्लस के होगा। फिर देखो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3y प्लस के को बाहर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1, ये y, ये y प्लस k, ये y, ये y, ये y, ये y प्लस k। कहां से हमने 3y प्लस k कॉमन लिया, कॉलम 1 से। अब देखो क्या करते हैं, कॉलम में 1 1 आ गया है तो रो का ऑपरेशन लगाएंगे, r1 बराबर r1 माइनस r2 एंड r2 बराबर बच्चों r2 माइनस r3। तो देखो क्या किया जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, y प्लस k में y, y में y प्लस k घटाओगे तो माइनस k, y में y जाएगा तो 0, 1 में 1 गया 0, y प्लस k में y घटाओ तो बच्चों
के और y में y प्लस के घटाओ माइनस के, ये वन ये y, ये y प्लस के। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि ये कॉलम को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, तो वन ये रो गया और ये गया, तो के माइनस के जीरो और माइनस के। अच्छा यहाँ पर एक चीज छूट गया ना, थ्री वाई प्लस के, ठीक है, ये तो होगा ना मल्टीप्लाई थ्री वाई प्लस के, तो इसको आप लिख सकते हो थ्री वाई प्लस के इंटू बच्चों के स्क्वायर माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस जीरो, अब के स्क्वायर इंटू थ्री वाई प्लस के। आई होप आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, ये सवाल बहुत ही बच्चों इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके जो भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम होंगे या सीबीएसई में भी बराबर ये सवाल पूछे जाते हैं। ओके।